News 18, India. কোন দিনও পারেন না আপনি আপনি কোন দিনও পারেন না কেন যাবেন না কি কিসের তাসভিরে আমি আকি আপনাকে লাগাতার দেখা রে আমরা লকেট চ্যাটার্জি পুলিশে রোক দিয়া লাগাতার পুলিশ কে সাথে বেস ভি হতে পারেন না মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কে আটকাতে ভাবে পারেন না সে যেতে পারি হ্যাঁ মানে কিউ রোকা যা রে वहाँ पे 144 है एंड वी हैव इन्फॉर्मेशन कि ये लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है उस बेसिस पे हम लोग यहाँ से उनको देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी जाने की कोशिश कर रही थी, ये महिला दलित बीजेपी का, जिसे पुलिस ने रोक दिया है और कोलकाता से थोड़ी ही दूर हाईवे पर रोक दिया है। हम तस्वीरें यहाँ की लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार बहस हो रही है पुलिस वालों के साथ। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल धारा 144 लगी हुई है संदेश खाली के कई इलाकों में, इसलिए यहाँ पर रोका जा रहा है। लेकिन लॉकेट चैटर्जी लगातार ये बहस कर रही है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जाने दिया जाए। देखिए पुलिस के साथ ये लगातार बहस, इसलिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनप्रतिनिधि वेस्ट बेंगल दीदी क्यों रोका जा रहा है? अमी एक जन संविधान अनुजाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तस्वीरें सीधे अटकाते पारे ना आप लोगों जो 144 की कथा बोले। देखिए लॉकेट चैटर्जी ये कह रही है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, मुझे क्यों नहीं 140 बिगड़ी तो होते पड़े। अमी बोलछी आपनाके अमी बोलछी एक जन जनप्रतिनिधि से ओखने जेते ही पारे। लॉकेट लगातार ये कह रही है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं वहाँ जा सकती हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? धारा 144 संदेश खाली में यहाँ पर तो नहीं है। और पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर पर वहाँ पर असर पड़ सकता है। 40 किलोमीटर दूर है एखन थेके केनो अटकानो होच्छे। लॉकेट चैटर्जी ये पूछ रही है कि 40 किलोमीटर दूर संदेश खाली है यहाँ से, तो फिर यहाँ पर क्यों रोका गया हमको? पुलिस ये कह रही है कि आपके जाने से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, इस वजह से आपको रोका जा रहा है। हम ये तस्वीरें लगा इन्फॉर्मेशन की वो लोग यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, इसीलिए उनको यहाँ पे लॉकेट दी रोका जा रहा है। क्या कहेंगी लॉकेट नहीं रोका जा रहा है? न्यूज 18 इंडिया पर हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। लगातार संदेश खाली से जो भी संबंधित खबर है, आज की तस्वीर लगातार ये सबसे लेटेस्ट, जहाँ लॉकेट चैटर्जी और साथ ही साथ फाल्गुनी पात्रा जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, फाल्गुनी दी रोक दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ पर जो लोग महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसके नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो उसके लिए प्रतिबद्ध करने के लिए उतरा है रास्ते में और वहाँ पर जा रहा है उसको ही यहाँ पर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर संतास फैला रहा है ये टीएमसी का गुण और ये प्रशासन जो आम लोगों को रुकना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर संतास कर रहा है उसको छोड़ दिया है। लेकिन वो लोग करे ये काम, तस्वीरें देखें, गर्मा गर्म बहस होती हुई लोकेट लगातार ये कह रही है कि इस तरह से मुझे नहीं रोका जा सकता। इल्लीगली हमला जाओ ना আমাদের কারচু যেতে দিতে হবে, আমাদের যেতে দিতে হবে। তবে ये कह रही है कि हमें थोड़ा और आगे तक तो जाने दीजिए, यहाँ पर तो धारा 144 नहीं है, हम वहाँ तक अगर नहीं भी जाए हमें थोड़ा आगे जाने दीजिए। না শুনুন আরেস ফেনেস কেন করবেন আমাদেরকে সব নাটক ফটক করবেন না। পুলিশ की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप ये जिद करेंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। यहाँ पर लॉकेट मैडम के आप मुझे अरेस्ट करेंगे, आपको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। দেখুন আমরা কোন রকম ভাঙচুর করতে যাচ্ছি, আমাদের মহিলাদের কথা শুনতে যাচ্ছি। শুনুন 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 बहस जो हो रही है पुलिस वालों के साथ, लॉकेट ये कह रही है कि मैं महिलाओं से बात करने जा रही हूँ, महिलाओं से मिलने जा रही हूँ, आप लोगों ने इल्लीगली हमको यहाँ पर रोका है। अरे सुने
ইললিগালি আপনারা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করছেন এখানে 144 নেই নো 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 আপনারা শুধু আপনাদের পাওয়ার দেখাচ্ছেন এখানে শুধু শুধু দেখি লকেট চ্যাটার্জি ইয়ে কে রহি হ্যায় কি আপ লোগ আপনা পাওয়ার দিখা রহে হ্যায় হামে সিরফ অর ইললিগালি অ্যারেস্ট করনে কি কোশিশ কর রহে হ্যায় অর ইয়ে তীখি বহস হোতি হুই এক মহিলা আইপিএস অধিকারী কে সাথ লকেট চ্যাটার্জি কি সিধে তাসবীরে হাম আপকো দিখা রহে হ্যায় অর ইয়ে দেখে ইয়ে জো মহিলা পুলিশ নে পুরি তরহ সে গায়ে রাখা और ये महिला आईपीएस अधिकारी हाथ पकड़ करके लॉकेट चैटर्जी का उनको ले जाने की कोशिश कर रही है। किसी भी समय अब आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर यहाँ पर एक्शन पुलिस का। देखिए ये महिला अधिकारी है आईपीएस अधिकारी ये लॉकेट चैटर्जी को यहाँ से अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। देखिए सीधी तस्वीर है आपको कैसे पुलिस की टीम यहाँ पर लॉकेट चैटर्जी दीदी क्या कहेंगे लॉकेट चैटर्जी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर लॉकेट चैटर्जी को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है। महिला पुलिस का एक्शन उनको उठा रहे हैं डिटेन कर रहे हैं गाड़ी में भरा जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए यह हाईवे है जो संदेश खाली की तरफ जाता है जहाँ पर लॉकेट चैटर्जी के साथ काफी देर तक बहस हुई और अब पुलिस ने उन्हें यहाँ से हिरासत में लिया और अपनी गाड़ी में भर कर ले जा रहा है। लॉकेट लगातार ये कहती रही कि उन्हें जाने दिया जाए और ये जो इलाका है यहाँ पर धारा 144 नहीं है लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने उन्हें कहा कि आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है इस वजह से हम आपको जाने नहीं देंगे। आगे देखिए तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सीधी और एक्सक्लूसिव कैसे लॉकेट चैटर्जी को यहां से हिरासत में लेकर के पुलिस की टीम निकल गई है। और एक बार फिर तस्वीरें हम आपको आके दिखाए देखिए महिला मोर्चा के जो दूसरे नेता हैं या फिर एक एडवोकेट्स की टीम भी आई है उनको भी पुलिस यहाँ से हटा रही है और ये लॉकेट की गाड़ी है जिसको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो संदेश खाली के हर एक खबर आपने न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देखी और आप भी देखिए पुलिस बल कितनी भारी संख्या में यहाँ पर है और ये महिला दल जो आज संदेश खाली जाने के लिए निकला था उस पर पुलिस के एक्शन की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बाकी की जो यहाँ पर महिला नेता है भाजपा की या फिर जो एडवोकेट हैं जो लीगल सेल की उनको भी पुलिस यहाँ से जाने को कह रही है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर लॉकेट चैटर्जी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की फाल्गुनी पात्रा जिनसे हमने बात की उन्होंने ये शिकायत की कि यहां पर धारा 144 नहीं है लेकिन फिर भी उनको यहां पर रोका जा रहा है। और लंबी बहस के बाद फिलहाल पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी और भाजपा की जो दूसरी महिला नेता थी उनको यहाँ से हिरासत में लिया है। और अभी यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि ट्रैफिक जो लगा हुआ है उसको खाली कराने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये हाईवे है जो संदेश खाली तक जाता है भारी संख्या में पुलिस बल जो यहाँ पर लीगल टीम है हम उनसे एक बार बात करेंगे क्या कहेंगे क्या कहना है। यहाँ 144 नहीं है फिर भी जनप्रतिनिधि है लॉकेट दीदी फाल्गुनी दी है राज्य का सभा नेत्री बीजेपी का हम लोग एक महिला टीम जा रहे हैं जो एडवोकेट का टीम है फिर भी हमें जाने नहीं दे रहा है। ये कहाँ का संविधान है ये कहाँ का नियम है देखिए क्या क्या सिचुएशन करके रखा है पुलिस ने कहाँ का ये नियम है कहाँ का ये आईन है वो लोग कागज भी कुछ दिखा नहीं सकते तो हम लोग क्या करें क्या सिक्योरिटी है हम लोगों का जो अगर सिक्योरिटी नहीं है एडवोकेट का अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आम जनता का जो आम महिलाएं हैं जो साधारण सा महिलाएं हैं उन लोगों का क्या हश्र होगा यहाँ ये आप खाली की महिलाओं से बात हुई आप लोगों की नहीं हमें तो जाने ही नहीं दे रहा है यही बैठ का दिया है फोन पर कोई बात हुई जिसके बाद जाने हाँ हमारे नेतृत्व के साथ बात हुई है वो लोग तो बार बार कह रहे हैं दीदी आप लोग आइए हम लोगों को बचाइए यहाँ जो परिस्थिति है हमें निकालिए यहाँ से। बिल्कुल यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा हाईवे जिस पर जाम लग गया था कई काफ़ी देर तक कई मिनट तक ये बहस चली लॉकेट चैटर्जी के साथ और
उसके बाद अब लॉकेट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद अब पुलिस ये जो रास्ता इसे खाली कराने की कोशिश कर रही है। Yeah.